सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका ओला की एक और नई अपडेट में। तो भाई लोग, आप सभी को पता होगा बहुत सारे दिनों से जो है वो वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि कोई अच्छी अपडेट नहीं आ रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई लोग, आप सभी ने बहुत चैनल को प्यार दिया और बहुत सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पर अपडेट की बात करूँ कि मैं आज आपको किसके टॉपिक के ऊपर अपडेट दूंगा, तो यहाँ पर जो हमें घर के लिए जो होम सर्विसेज मिलती थी उसके लिए ओला ने अब चार्जेस शुरू कर दिए हैं। और हमें जो ओला की तरफ से बताया जा रहा था कि जो ईगो मोड में 170 किलोमीटर की जो रेंज बता रहा था उसके ऊपर भी मैंने जो है वो रेंज टेस्ट किया है उसके बारे में मैं आप बताऊंगा। और ओला की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन प्लान अभी ये लेटेस्ट कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर, भावेश अग्रवाल जी ने भी ट्वीट किया था इसके ऊपर, तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और मैं बताऊंगा आपको कि जो है हमें जो मूव ओएस 3 है वो हमें कब मिलेगा, इस वीक मिलेगा या नेक्स्ट मंथ मिलेगा या नेक्स्ट ईयर मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गाइस जो सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है वो होम जो चार्जेस हैं वो कंपनी की तरफ से अब अप्लाई किए जा रहे हैं बहुत सारे स्टेट में। अभी मैंने तो घर पर कोई सर्विस ली नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हमारे ग्रुप्स वगैरह में जो है वो वहाँ पे लोग अपडेट देते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे स्टेट नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कई लोगों ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि जो घर पे जो सर्विस वाला पर्सन जो विजिट करता है उसके लिए कंपनी अब 470 रुपये जो है वो चार्ज करती है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप नॉर्मल बुलाते हो तभी आपको 470 रुपये जो है वो कंपनी को पे करने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो सेकंड अपडेट है वो इको मोड को लेकर है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इको मोड नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन कंपनी का जो क्लेम है कि भाई आपको 167 किलोमीटर या 170 किलोमीटर आपको इको मोड में मिलेगा। और आप ज़्यादातर इको मोड को ट्रैफिक जब रहती है, जब ट्रैफिक एरिया वाला जो रहता है वहाँ पर आप यूज़ करें, नॉर्मल बाजार वगैरह में यूज़ करें, तो उसकी जो एक्चुअल रेंज निकल के आ रही है। बहुत सारे जो कस्टमर हैं उनकी जो इको मोड में है वो रेंज कम आ रही है। इवन मैंने भी एक दिन ट्राई किया हुआ था, लेकिन मैं ये प्रॉपर नहीं कह सकता कि मतलब जो इको मोड की जो रेंज है वो एक्यूरेट है, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूँ कि हमें इको मोड में चलाना चाहिए नॉर्मल मोड में चलाना चाहिए और दोनों में जो रेंज है वो कितना डिफरेंशिएट करता है, तो इसके ऊपर आपको जल्दी वीडियो मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारी जो थर्ड अपडेट है वो है सब्सक्रिप्शन को लेकर। हाल ही में भावेश अग्रवाल जी ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे, आपको पता ही होगा भाई काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पर, चाहे वो हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई ना दे ब्लॉक कर दे, लेकिन फिर भी भाई ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक पोल क्रिएट किया था कि मतलब सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्यू वीक्स में जो स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब लाइक आप बाय करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, उसके ऊपर उन्होंने पोल किया। तो यहाँ पे जो है 76% जो लोग थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल भाई हम ट्राई करेंगे सब्सक्रिप्शन को लेकर। अब देखते हैं भाई इनका सब्सक्रिप्शन जो प्लान है वो कितने का रहता है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से मुझे याद आया, आपने मेरी कोई पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने यूलो के बारे में बताया हुआ था। यूलो में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही रहता है, वो भी इलेक्ट्रिक है, बट भाई ओला थोड़ा स्मार्टली है, वो नॉर्मल है, तो यूलो की तरह भी शायद सब्सक्रिप्शन लेके आए। या फिर बैंगलोर में बहुत सारी इलेक्ट्रिक जो कंपनीज है वो भी सब्सक्रिप्शन देती है, बाउंस हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो सब्सक्रिप्शन देती हैं। तो यहाँ पे भाई उनका कहने की प्लान है कि सब्सक्रिप्शन लेके आने वाले हैं। और आज जो मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो तभी मुझे पता लगा था आज कुछ 22 तारीख को ओला की तरफ से कुछ अपडेट आने वाली थी। मुझे जो है वो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मुझे यहाँ से पता लगा था आज कुछ अपडेट करने वाले थे, बट क्या अपडेट करने वाले ये भी नहीं पता। और लास्ट में जो हम बात करते हैं कि भाई हमें मूव ओएस 3 कब मिलेगा, तो बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर बनी है, बट भाई कहीं पे भी एक्यूरेट जो है वो बताया नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो मूव ओएस 3 है वो आपको इसी वीक के लास्ट तक में मिल जाएगा। इधर कंपनी की तरफ से तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी वाले भी कहने के जब आप ट्विटर पे ट्वीट जाके करते होगे तो आपको जो है इस तरह का कुछ रिप्लाई आता होगा कि भाई आपको इसी वीक में मिल जाएगा, तो आप थोड़ा श्योर रहें, आई गेस इसी वीक में मिल जाना चाहिए। और मैं सबसे पहले जब भी जो है अपडेट आता है उसके बारे में आपको मैं वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ओला से रिलेटेड अब मैं रेगुलर जो है वो अपडेट देता रहूंगा। और अभी मेरे चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो है वो इको मोड और नॉर्मल मोड, मतलब दोनों में से भाई कौन सा अच्छा है और किसकी रेंज ज़्यादा अच्छी आने वाली है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।